नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको TVS वेक्टर की वायरिंग बताएंगे, क्योंकि देखिए इसमें करंट नहीं आ रहा है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये इसमें एक रेड पे ब्लैक तार है और ब्लैक पे रेड, ये दोनों गुच्छा के तार होते हैं, जो कॉइल गुच्छा है अपनी स्टार्टिंग कॉइल जिसे बोलते हैं उसके तार उठते हैं। ठीक है, और इसमें भी देखिए पूरी वायरिंग तो पहली बात किसी मिस्त्री ने काट रखी है, पूरी वायरिंग कटी हुई है, लेकिन हम इसी को सही करेंगे। और ये जो मैंने बताया था ब्लैक पे रेड और रेड पे ब्लैक, ये जो दो तार हैं ये मेन तार हैं। ठीक है, इसमें और कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये दो तार मेन होते हैं और जो पिकअप कॉइल के हैं वे दो तार मेन होते हैं। और देखिए इसमें पुरानी CDI इसकी है, जो इसमें है यही CDI है इसकी। और ऐसे हम जब तक कोई चीज़ चेक नहीं कर लेंगे तब तक हम ऐसे नहीं बता सकते हैं क्योंकि CDI ख़राब है या नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी अगर वायरिंग चेक करता है सबसे पहले डायरेक्ट कर देता है। ठीक है, मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है चाबी का इसका कोई संबंध नहीं है। और इस CDI को लगा के जब हम चेक करते हैं फिर भी इसमें करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि जब डायरेक्ट होती है फिर भी इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो इसमें कौन सी चीज़ ख़राब है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हम न्यू वीडियो जब भी अपलोड करें आपके पास जल्द से जल्द आ सके। देखिए इसमें जो ब्लैक तार है ये चाबी स्विच का तार होता है। ठीक है, इसमें जो प्योर ब्लैक तार है ये हटा रखा है मैंने अंगूठे के पास, ये पूरा ब्लैक तार चाबी का होता है, और इसमें हटा देते हैं तब इसमें करंट आ जाता है। आप खुद देख लीजिए इसमें करंट आ जाता है, इसका मतलब इसकी वायरिंग शॉर्ट है, कहीं पर भी जो ब्लैक तार है वो टच हो रहा है वायरिंग में, अर्थिंग में टच हो रहा है, कहीं पर भी होता हो। अब वो हम अभी आपको बताएंगे वो कहां पर होता है, ये जो ब्लैक तार है इसमें टच हो रहा है वायरिंग में, कहीं भी टच हो रहा होगा, ये अवश्य ये खुला होगा तभी ये टच हो रहा है। और जब ब्लैक तार हम हटा देते हैं तो करंट इसमें आने लगता है पुरानी CDI में। ये जो ब्लैक तार है ये मेन तार है चाबी स्विच का। और जैसे कभी भी आप वायरिंग चेक करो तो जैसे मैंने पहले बताया था रेड पे ब्लैक और ब्लैक पे रेड, इन दोनों को आपस में टच करके अवश्य चेक कर लिया करें, अगर इनमें करंट आ रहा है तो कॉइल सही है, कॉइल गुच्छा सही है। और ये देखिए जो ये चाबी इसी जगह पर कहीं ना कहीं शॉर्ट होगी, क्योंकि इस जगह पर टैप लगा। चलिए पहले हम इसे टैप को हटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वायरिंग किस जगह पर शॉर्ट है। ये जो टैप लगा है इसे हटा लेते हैं, फिर देखते हैं, बताया था इसी जगह पर कहीं ना कहीं वायरिंग शॉर्ट होगी। और देखिए ये तार है, ये अर्थिंग का तार और चाबी स्विच का जो तार होता है ये किसी मिस्त्री ने जॉइंट किया होगा, तो क्या किया इसमें टैपिंग नहीं की है। ठीक है, दोनों तार एक साथ टैप कर दिए हैं जिसकी वजह से भी शॉर्ट होने लगी। अलग अलग तार पर पहले टैप कर लें, उसके बाद तुम एक साथ खूब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले अलग अलग करके टैपिंग कर लें उसके बाद एक साथ कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी भी वायरिंग शॉर्ट नहीं होगी। और आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हम न्यू वीडियो जब भी अपलोड करें आपके पास जल्द से जल्द आ सके।